तो दोस्तों वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। पति पत्नी के बीच में जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं यानी वैवाहिक मतभेद हो जाते हैं तो एक बहुत ही साधारण सी, एक बहुत ही आम सी घटना, बहुत ही एक आम सी सिचुएशन देखने को मिलती ही मिलती है। वो ये होती है कि जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो पत्नी अपने मायके में जाकर बैठ जाती है, सारा गोल्ड सारा सामान अपने साथ ले जाती है और इधर कहीं ना कहीं पति को इस बात का डर सता रहा होता है कि पत्नी मायके जाकर बैठ गई, अब कहीं वो थाना पुलिस कचहरी ना कर दे। अब ऐसी सिचुएशन में जब पति के साथ इस तरीके की सिचुएशन शुरू होती है, नया नया समय होता है, अचानक से उसके साथ ऐसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं तो उसको रास्ता नहीं मिलता, उसको समझ नहीं आता कि अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें, कौन सा कदम उठाएं, कैसे शुरुआत करें। अब देखिए ऐसी कोई सिचुएशन अगर पति के सामने आ जाती है तो सबसे पहले वो अपना मन बना ले, सबसे पहले वो अपने आप को मजबूत कर ले कि अब उसे तरह तरीके के मैट्रिमोनियल केसेस का सामना करना पड़ सकता है, उन केसेस को फेस करना पड़ सकता है जिसमें जनरली देखा यह जाता है कि शुरुआत महिला सेल की कंप्लेंट से होती है, उसके बाद घरेलू हिंसा का केस, उसके बाद 498A का केस, 125 CRPC यानी मेंटेनेंस का केस, इस तरीके के केसेस को पति को फेस करना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में एक जरूरी कदम उठाना बहुत जरूरी है, जो कदम उठाने के बाद आपको वो उन सभी केसेस में जो पत्नी आपके खिलाफ डाल सकती है उन सभी केसेस में वो उठाया गया कदम आपको हर तरीके से मदद देगा, आपके केस में आपको बेनिफिट देगा। अब क्या है वो कदम, इस बारे में बात कर लेते हैं। अगर पति के सामने ऐसी कोई सिचुएशन आ रखी है कि पत्नी मायके जाकर बैठ गई है, पति को इस बात का डर सता रहा है कि अब वो कहीं थाना पुलिस कचहरी ना कर दे और सारा गोल्ड भी अपने साथ ले गई है, या फिर पति के सामने हाल फिलहाल में ही ऐसी कोई सिचुएशन आई है और वो पति इस तरीके की सिचुएशन का सामना हाल फिलहाल में ही कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में करना ये है कि सबसे पहले बिना समय गवाए इस बात की सूचना थाने में देनी है कि उसकी पत्नी उसकी मर्जी के खिलाफ घर छोड़कर अपने मायके में जाकर बैठ गई है और जाने से पहले इस बात की धमकी दे के गई है कि वो अब अपने पति को झूठे सच्चे मुकदमों में फंसा के रहेगी और उससे बदला लेके रहेगी। और इसके साथ साथ पत्नी पति की इच्छा के विरुद्ध घर से सारा गोल्ड सारा सामान भी अपने साथ ले जा चुकी है और अब वो मायके में बैठी हुई है। इस बात की सूचना बिना समय गवाए पति को पत्नी के खिलाफ अपने थाने में देनी ही चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि पति सिर्फ इस वजह से, इस सोच से ये कंप्लेंट थाने में नहीं करते कि थाने वाले तो कोई एक्शन लेते नहीं, थाने वाले तो कोई कार्रवाई करते नहीं। देखिए थाने वाले कोई कार्रवाई करे या ना करे ये थाने वालों का निजी मामला है, लेकिन अगर आपने कंप्लेंट नहीं दी तो आपके पास कोई भी ऐसा साक्ष्य, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होगा जो आप कोर्ट में दिखा सकें कि मेरी पत्नी ने मेरे खिलाफ जो भी किया था, मेरी इच्छा के विरुद्ध वो जब अपने घर जाके बैठ गई थी तो उसके खिलाफ आपने कोई शिकायत की या नहीं की। अगर आप कोई शिकायत कर देते हैं तो वो इस बात का सबूत होगा, इस बात का प्रूफ होगा कि आपकी पत्नी आपकी मर्जी के खिलाफ अपने मायके में जाकर बैठ गई है और उस समय वो अपना सारा गोल्ड भी अपने साथ ले गई, जिस बात की सूचना आपने तुरंत थाने में दे दी थी। और इस तरीके की सूचना, इस तरह की कंप्लेंट जिसकी रिसीविंग आप थाने से लेकर आ चुके होंगे, ये कंप्लेंट आपको उस समय केस में काम आएगी जब कोई केस आपकी पत्नी आपके खिलाफ कर देगी। अब देखिए आपकी इस कंप्लेंट पर पुलिस कोई कार्रवाई करे या ना करे, कोई एक्शन ले या ना ले, ये कमी पुलिस वालों के डिपार्टमेंट की होगी, लेकिन आपका फर्ज यह है कि आपने सबसे पहले सूचना थाने में देनी है। अब इस शिकायत को करने का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि हालात कैसे भी रहे हो, सिचुएशन कैसी भी रही हो, आप कितने सही रहे हो और आपकी पत्नी चाहे कितनी गलत रही हो, जब आपकी पत्नी आपके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करेगी तो उस केस में वो यही बात लिखेगी कि आपने अपनी पत्नी को जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया, मारपीट कर बाहर निकाल दिया और आपकी पत्नी एक जोड़ा कपड़े में अपने मायके आ गई और मजबूरी में अपने मायके में रह रही है। चाहे आपकी पत्नी कितनी खराब हो, आप कितने सही हो, लेकिन केस में यही देखने को मिलेगा। अब ऐसी सिचुएशन में जब आप पहले से ही इस बात की कंप्लेंट थाने में कर चुके होंगे कि आपकी पत्नी आपकी मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी से अपने मायके जाकर बैठ गई और सारा गोल्ड सारा सामान ले जा चुकी है, और जब आप अपनी शिकायत को पत्नी के कंप्लेंट के अगेंस्ट जवाब के रूप में इस्तेमाल करेंगे,
तो इसका फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप अपनी बात उस कागज के माध्यम से, उस शिकायत के माध्यम से कोर्ट के सामने रख सकेंगे कि भाई इस बात की सूचना तो मैं पहले ही थाने में दे चुका हूं कि मेरी पत्नी तो सारा गोल्ड ले जा चुकी है, सारा सामान उसके पास है, और वो इस तारीख को इस समय पर मेरी मर्जी के खिलाफ अपने मायके में जाकर बैठ गई थी, और तब से उसने मेरे को धमकी दे रखी है कि मैं तुम्हें झूठे सच्चे मुकदमे में फंसा दूंगा। इस तरीके की शिकायत आपको उसके केस में बेनिफिट देगी ही देगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अगर आपकी पत्नी आपकी मर्जी के खिलाफ मायके जाकर बैठ जाए, आपको डर सता रहा है कि अब आपके खिलाफ कोई थाना का मुकदमा कचहरी ना हो जाए, आपकी पत्नी सारा गोल्ड भी अपने साथ ले गई है, तो इस बात की सूचना थाने में जरूर दें। उस सूचना में, उस शिकायत में 3 बातें जरूर लिखें। एक तो आपकी पत्नी आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर अपने मायके बैठ गई, आपकी पत्नी जाते समय आपको धमकी दे के गई है कि आपको झूठे मुकदमों में फंसवाएगी, और आपकी पत्नी गोल्ड और सारा सामान अपने साथ ले गई है। भले ही शिकायत पर कोई एक्शन हो, कार्रवाई हो या ना हो, आप शिकायत जरूर दें। ये शिकायत आपको उस समय केस में काम आएगी जिस समय आपकी पत्नी आपके खिलाफ कोई झूठा सच्चा केस कोर्ट में फाइल कर देगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, अगर आपको हमारी वीडियो से मनचाही जानकारी मिली, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखिए सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है, और हमारी भी इच्छा रहती है कि हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी से भरपूर वीडियोस लाएं। तो अगर आप ऐसी जानकारी से भरपूर वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपकी बातों का जवाब देने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आएं, तो इस बारे में भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपकी बातों का जवाब देने की और उस टॉपिक पर वीडियो लाकर आने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों अलविदा लेता हूं आपसे, एक बार फिर कहूंगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मस्त रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आप हैं तो हम हैं, इसलिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।